नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पैसिटेन टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जो पैसिटेन टैबलेट मार्केट में आती है, ये फाइजर कंपनी की आती है। 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 37 रुपीज़ एंड 61 पैसा, यानी 37 रुपये और 61 पैसे। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले, ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर ट्राइएक्सिफिनिडिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो पैसिटेन टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली यूजफुल इन द पार्किंसन डिसीज। दोस्तों, पार्किंसन डिसीज यानी क्या? तो पार्किंसन डिसीज यानी विच इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डिसऑर्डर है उसको पार्किंसन डिसीज बोला जाता है। कैरेक्टराइज बाय ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड आर्म एंड फेस, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड स्टिफनेस ऑफ लिम्स, जिसको पार्किंसन डिसीज बोला जाता है, उसमें काम करती है दवा। और भी ये दवा, अगर आपको ड्रग इंड्यूस एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स अगर की शिकायत है तो उसके लिए भी चलती है। ये जो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम है उसको लाइक रेस्टलेसनेस, मसल स्पास एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉज बाय मेडिसिन बिलोंग टू क्लास ऑफ फेनोथायाजाइन। तो दोस्तों, अगर आपको रेस्टलेसनेस की शिकायत है, मसल स्पास में शिकायत है, तो उसके लिए भी दवा चल सकती है। ये दवा की वजह से आपको सिडेशन आ सकता है, नींद आ सकती है। ये दवा की वजह से आपको डिजीनेस भी आ सकता है। दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, ड्राइनेस इन माउथ आ सकता है। ये दवा की वजह से आपको लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत भी हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको नौसियन वोमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, दिन में से एक बार लेना चाहिए। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।